कोई और भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। मोदी साहब का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वो दिखाती हैं बहुत गर्म जोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल हुआ है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री को। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लगता यूं है कि जैसे गंगा उल्टी बहती है। बाहर जाते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें खराब की हैं, मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया हमें खरीद ले। और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि दो चार बड़े बड़े लीडर जाएं मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें। मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो, जहां हर एक को आजादी हो खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो, लेकिन आप और उनसे कहें कि हमें उठ लो हमें रख लें, यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। मोदी साहब का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में, बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, खास तौर पे कि आए मोदी साहब माए उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पर। ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है, और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं, मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद ने एक सुपर पावर बने, वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए, मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत के सहर तक हमारे मुल्क को रहना। पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं, मैंने पूरी दुनिया में देर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देर इज नो, सो एहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था, मैं आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये एहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है, एहलन जारी बात है एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू, दैट्स हाउ द यू नो अरबी कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं, बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड, सरदार इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा, इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है एहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे वो एक लफ्ज़ बोलते हैं एहलन वसहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है,
ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजेंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती या और मुल्कों के लिए या और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जैसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इंडिया का है रुपए और यूएई का है जेवान। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का। ठीक है जी, और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। सो इंडिया यूएई ऑलरेडी दे हैव एग्रीड ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। सो एक तो ये चीज़ देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो हैं उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपए कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी, और इससे पहले आपको पता है कि रुपए जो है वो मॉरिशियस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवी को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली सिर्फ और सिर्फ हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मज़हब। उस और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई उन्होंने कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। ठीक है, और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं, नाउ इज़ अ टाइम कि यू हैव टू कोलेबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। अब देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के, और वो उनको पता है कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की उनको बहुत ज़्यादा वो दी अमरातीज एंड दी अदर्स आर वेलकमिंग दिस अ लॉट, वो इसको बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए